नवाब साहब, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही सर। वो तो हम भी देख रहे हैं, मगर इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? जैसे नींद की वजह थकन होती है, ऐसे ही जागते रहने की वजह भी शायद थकन ही होती है। हालात की, वाक्यात की, सानिहात की थकन। क्या हो गया है नवाब साहब? आपसे तो हमें हौसला मिलता है, आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? कितना मुश्किल होता है एक बात के लिए ये बर्दाश्त करना, जब उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी पर चिल्ला रहा हो। शकील ठेकेदार का रवैया अगर हमारे सामने ऐसा है तो जब हमारी नजरों से ओझल होते होंगे तो क्या रवैया रवा रखता होगा वो? शकील जैसे मर्द से ऐसी ही बुराई की तवक्को की जा सकती है, लेकिन नवाब साहब, हमें आपकी बेटी और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। खजाना ऐसी नौबत ही नहीं आने देती होगी। शायद, लेकिन इस शायद को सोच के नींद नहीं आएगी बेगम। नहीं भूलती है वो तनी हुई हमें, वो बिखड़े हुए तेवर, वो चीखती चिल्लाती आवाजें। वफ़ुर होती हुई हमके नहीं भूलती। हमारी खजाला इतनी दुखी नहीं जितना हम माँ बाप होने के नाते दिल गिरफ्तार हो रहे हैं। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो सिखा भी देता है और पढ़ा भी देता है, क्या मसलूम और क्या जालिम। अब आप सो जाएं नवाब साहब। नई सुबह गुजरी रात से बेहतर होनी चाहिए। जी। तहसीन, चाय? देख नहीं रही, मैं वीडियो बना रही हूँ, बोलना जरूरी था। सॉरी से अंधी हो गई हो। तहसीन, क्या कर रही हो? भाई चाय गिरा दी इसने कपड़ों पे। चुप, चलो अंदर कमरे में चलो। शुक्रिया शकील, आपने मेरे लिए। अच्छा बस शुक्रिया, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। मैं एक बार आलिया का बंदोबस्त कर लूं, फिर तुम्हें शुक्रिया का बड़ा मौका दूंगा मैं।